नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मटर का नाश्ता बनाएंगे जो टेस्टी भी है और खाने में बहुत स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है। तो ये हमने 2 कप मटर ली है और ये 2 चम्मच हमने चने की दाल भिगो के रखी थी तो फूल के ये 4 चम्मच हो गई है और ये 2 चम्मच हमने छिलके वाली मूंग की दाल भिगो के रखी थी तो ये है। और ये अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट है और थोड़ी ये 2 कटी हुई हरी मिर्च है, नमक है और हींग है। अब सबसे पहले हम मटर और इनको सबको मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। अब इसी में मैं चने की दाल मिला देती हूँ। ये चने की दाल मैंने मिला दी इसमें और ये मूंग दाल मिला दी है, क्योंकि फूल के ज़्यादा हो गई इसलिए मैं केवल 2 चम्मच ही इसमें डालूंगी। अब इसको हम दरदरा पीस लेते हैं। ये हमने इसको दरदरा पीस लिया है। अब इसको एक उसमें बाउल में निकाल लेते हैं। ये मैंने पीस लिया है दरदरा। इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ और ये अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया हमने और ये 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसमें ये हींग डालेंगे। हींग के बिना कोई से भी आप बनाओ भजिए या कोई सा भी तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए हींग जरूर डालना चाहिए। ये भी मैंने हींग डाल दी। ये थोड़ी सी सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ डालने से क्या होता है, कोई भी आप तली हुई चीज खाएंगे तो उससे पाचन अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें सौंफ डाली है। इसमें थोड़ा हरा धनिया डालती हूँ क्योंकि ये धनिया के बिना भी स्वाद अच्छा नहीं लगता है। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, पर वैसे हरा धनिया डालना चाहिए। तो ये मैंने हरा धनिया डाल लिया है और इसको मैंने जो वेटर को पीसा है वो बिल्कुल पानी नहीं डाला है इसमें। अगर आपको लगे तो 1/2 चम्मच पानी डाल के आप पीस सकते हैं, पर ये बिल्कुल बिना पानी का दरदरा पीसा हुआ है। वैसे मूंग के मंगोड़े बनाते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ मटर के मुटेड़े और मंटोड़े बोलते हैं। सब लोग मजाक में तो बोलते हैं मटर के मुटेड़े बना लो, तो आज मैं आपको ये मटर के मुटेड़े बनाना बता रही हूँ। ये हमारा बेटर बस ऐसा ही रहेगा, इसमें पानी नहीं डलेगा, नहीं तो अगर पानी डाल देंगे तो ये बिखर जाएंगे और अच्छे बनेंगे नहीं। ये हमने तेल गरम होने को रख दिया। तेल हमारा मीडियम गरम हो गया है और अब हम ये इसमें इस तरह से ये ऐसे गोल गोल करके और इसमें डालेंगे। आंच को मैंने धीमा कर दिया क्योंकि तेल थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया था। ये मुटेड़े खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी हैं खाने में और टेस्टी भी हैं। और अगर आपको ऐसा हैवी नाश्ता बनाना हो तो आप इस तरह से बना के खा सकते हैं। मैंने इसमें लाल मिर्ची नहीं डाली क्योंकि लाल मिर्ची मेरे यहाँ कोई खाता नहीं ज़्यादा, हरी मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए मैंने हरी मिर्ची डाली। वैसे भी मंगोड़े बनाते तो उसमें हम लोग लाल मिर्ची नहीं डालते हैं, केवल हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट डालते हैं। इसमें अदरक का ज़्यादा डालना चाहिए जिससे कि ये इसका स्वाद और अच्छा हो जाता है। अब ये थोड़ी देर में ऊपर आ जाएंगे तब हम इसको पलटेंगे। मैंने आंच को मीडियम कर दिया है और अब ये ऊपर आने वाले हैं, अब इसको हम पलट देंगे। अब ये ऊपर आ गए हैं अच्छे से, अब इसको हम अब अच्छे से पलट देंगे। ऊपर से ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे, इसके बाद हम इनको निकालेंगे, बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे इसके बाद निकालेंगे, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल्दी सिक जाएंगे। तो आंच को हमने मीडियम कर रखा है।
ये देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े क्रिस्पी हो रहा है, लेकिन अभी थोड़े और होंगे, इसके बाद फिर हम इसको निकालेंगे। अब ये बहुत बढ़िया सिक गए हैं, इस तरह से ब्राउन हो गए हैं और अंदर से भी अच्छे सिक गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं, तो इस तरह से आप बनाइए। अब दूसरा घान भी हम डाल लेते हैं, आंच को मैं धीमा कर देती हूँ। इसको बस ऐसे गोल गोल करके डालना पड़ता है, नहीं तो ये बिखर जाते हैं। और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डलता है, अगर आप पानी डाल देंगे तो ये अच्छे नहीं बनेंगे, बिखर बिखर के जाएंगे। इनको सिकने में 2 से 2.5 मिनट लगे हैं और ये दूसरा घान भी हमारा हो गया है। और ये गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं, जब खाना हो तभी गर्म उतार कर आप सबको खिलाइए, और अगर अचार वो चटनी और दही के साथ खाना हो तो उससे भी, पर वैसे ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं। तो ये हमारे मुठेड़े तैयार हैं। अब ये हमारे गर्मा गर्म मुठेड़े तैयार हैं। ये देखिए अंदर से भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। तो आप इसे बनाइए और खाइए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।